अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम बताएंगे कि थीसिस या प्रपोजल लिखते वक्त हम लिस्ट ऑफ फिगर या लिस्ट ऑफ टेबल कैसे ऐड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, जब हमने लिस्ट ऑफ फिगर या टेबल ऐड करना होता है थीसिस के स्टार्ट में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने रेफरेंसेस में आना है। रेफरेंसेस में आपने इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स, ओके। जब आपने इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर कर लिया, ये टेबल लिखा है, आपने फिगर करना है तो फिगर कर ले, ये हो गया, यहाँ पर ओके कर ले। अब इसके दरमियान आपने कुछ लिखना है, जो भी चीज़ें चेंज करनी है, यहाँ पर देखिए ये लाइनें मैंने लगा दी, यहाँ पर लाइनें आ गई, ये लाइनें आप यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं, आप ये लगाए। इसके अलावा अगर आपने लाइनें लगानी है तो ये चीज़ लगाए, ये हो गया ओके, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर नो टेबल ऑफ फिगर एंट्रीज फाउंड, बस आपने ये चीज़ कर ली, इसको इंटर कर ले, ऊपर लिख ले लिस्ट ऑफ फिगर्स, ठीक है। इसको थोड़ा सेट कर ले, होम पे आ जाए, ये इधर कर ले, इसको बड़ा कर ले, ये बोल्ड कर ले, इसको आपने जिस हाल में रखना है उसमें रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं ये टाइम न्यू रोमन में करता हूँ, थोड़ा बढ़ाता हूँ, 12 करता हूँ, ये हो गया। ये लिस्ट ऑफ फिगर आपने किसी के स्टार्ट में कर दिया। अब आपने फिगर आपने क्या करना है, अब आपने आगे जाना है, यहाँ पर इस पेज में आ गए, ये बिल्कुल एम्प्टी पेज है, नया पेज, यहाँ पर आपने यहाँ पर फिगर ऐड किया। लेकिन लेट्स सपोज हम यहाँ पर एक फिगर ऐड करते हैं, इंसर्ट पिक्चर, हमने ये चीज़ ऐड किया, ठीक है, ये आपका हो गया फिगर। अगर आपने इस फिगर को मोशन देना है तो आप भी वो कर सकते हैं, ये क्लिक कर ले, ये वाला क्लिक कर ले, जो भी क्लिक कर ले, इसका मोशन ऑन हो गया, आप देखें। लेकिन आपने इस तरह करना है, देखिए आपने ये फिगर क्लिक कर दिया, यहाँ पर आ जाए, इंसर्ट, ये मोशन हो गया, इसका क्लिक हो गया, ठीक है। अगर आप इस मोशन को ब्लॉक करना चाहते हैं तो ये इसका मोशन ब्लॉक हो गया, आप सिर्फ इसको यहाँ पर सेंटर में रखें। अब ऐसा कर ले कि इसको नाम दे दे, इसको नाम इस तरह ना दे कि आप यहाँ पर लिख ले कि फेसेस ऑफ मून, इस तरह ना लिखे, बल्कि आपने क्या करना है, ये चीज़ आपने हटाना है, आपने इंसर्ट में जाना है, इंसर्ट में नहीं, रेफरेंसेस में जाना है, यहाँ पर आपने इंसर्ट कैप्शन लिखना है, ये टेबल है, यहाँ पर टेबल वन, लेकिन हमने तो फिगर इंसर्ट किया, तो हम यहाँ पर फिगर करेंगे, यहाँ पर क्लिक कर ले, यहाँ पर आप लिख ले फेसेस ऑफ मून, ये हो गया। एक्सक्लूड लेबल फ्राम कैप्शन, इसको देखिए, ये जब मैं क्लिक करता हूँ तो आपको यहाँ पर चेंज नज़र आएगा, देखिए लेबल फ्राम कैप्शन, फिगर का लेबल चेंज हो रहा है, देखिए ये वाला, तो आपने ये क्लिक नहीं करना है, फिगर यहाँ पर होनी चाहिए। दूसरी बात, नंबरिंग, आप जिस अंदाज से नंबरिंग कर सकते हो, इंक्लूड चैप्टर नंबर, अब हमारे पास फिलहाल चैप्टर नहीं है तो आप ये न करें, जब हमारे पास चैप्टर नंबर होगा तो आप ये भी करेंगे, ये ओके हो गया, ये हो गया, देखिए ये आ गया, इसको थोड़ा सेट करते हैं, दरमियान में लाते हैं, इसको थोड़ा बढ़ाते हैं, ये हो गया फिगर फेजेस ऑफ मून, ओके। अब ऐसा कर ले, दूसरा फिगर इंसर्ट कर ले, एक दूसरा फिगर हम इंसर्ट करते हैं, लेट्स सपोज ये इसमें बेबी है, लेट्स सपोज अब ऐसा कर ले, इसको थोड़ा छोटा करते हैं, अब देखें यहाँ पर क्लिक कर ले, ये हो गया इंसर्ट, इंसर्ट में सॉरी डिफरेंसेस, इंसर्ट कैप्शन, फिगर टू स्मॉल क्यूट बेबी, ये हमने लिख लिया। अब इसको थोड़ा हम बढ़ा लें, ये हो गया, ये सेंटर में आ गया,
अब देखें जो चीज़ हमने लिस्ट ऑफ फिगर हमने बनाना था उसको देखें, ये लिस्ट ऑफ फिगर है, क्लिक कर लें, अपडेट फील्ड, ये आपके हो गए। अब किसी में जितने भी फिगर यहाँ पर ऐड करते जाओगे आपका लिस्ट ऑफ फिगर बनता जाएगा। इसी तरह ही आप लिस्ट ऑफ टेबल भी बना सकते हैं, इसी तरीके से आपने लिस्ट ऑफ टेबल भी बनाना है।